एक तरफ प्रचंड गर्मी से सूखते जल स्रोतों और घटते भू जल स्तर के चलते पेयजल संकट की समस्या जस की तस बनी हुई है, वहीं जून के तीसरे हफ्ते में प्री एक्टिविटी मानसून की आहट के बीच राजधानी भोपाल के बड़े नाले और जल भराव क्षेत्र आज भी नगर निगम की सफाई अमले की बाट जो रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर साल बारिश के पहले निगम का अमला राजधानी के नालों की साफ सफाई करवाता रहा है, लेकिन इस बार सफाई को लेकर निगम का अमला शायद सो रहा है। हालात ये है, कई नालों में पानी सड़ान मार रहा है तो कई नाले जाम हो चुके हैं जिनमें मच्छर पनप रहे हैं। दूसरी समस्या पेयजल की भी है। एक टैंकर के आने पर किस तरह रहवासी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर जब हमने महापौर से बात की तो वो अपनी बेबसी कुछ यूं बयां कर रहे हैं। ये स्थिति हो रही है, अगर आज ऐसी स्थिति हो गई है, जितनी जवाबदारी नगर सरकार की है उतनी जवाबदारी आपकी भी, आप सहयोग करो। कहीं ना कहीं अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस बात को मैं महापौर के नाते बहुत दमदारी के साथ मीडिया के समक्ष भी रखना चाहता हूं। उनको सहयोग करना चाहिए, कहीं ना कहीं इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके कारण मुझे काम करने में नगर निगम में कठिनाई आ रही है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चूंकि भोपाल की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, सभी लोगों को बैठकर सर्दली बैठक में जो भी निर्णय लें, सब लोगों को मिलजुल कर इस पर निर्णय लेना चाहिए। नगर निगम कमिश्नर अच्छे से जानते हैं उन्हें क्या करना है और कब करना है, अब वो आपसी तालमेल से समस्याओं के समाधान करने का भरोसा दे रहे हैं। देखिए, भोपाल नगर निगम का एरिया पूरा 6 विधानसभाओं में बटा है और हमने एक एक विधानसभा में एक एक सीनियर अधिकारी को, एक एडिशनल कमिश्नर लेवल ऑफिसर को हमने वहाँ पोस्ट किया है। उनकी ज़िम्मेदारी यही है कि सबसे पहले जितने भी नाले नालियाँ हैं उनकी साफ़ सफाई के लिए हमने एक शेड्यूल बनवाया है और उनके लिए अलग अलग गाड़ियाँ और पोकलिन मशीन्स भी हमने हैंड ओवर करवाई है। उन्होंने एक ऑर्डर बनाया है जिसमें 3 हेल्थ ऑफिसर्स और संबंधित AHOs और दरोगास उन नाले नालियों की साफ़ सफाई करेंगे ताकि क्लॉगिंग ना हो। सभी सिटीजन से भी अनुरोध हो कि जहाँ पे भी वो अपने पास, जहाँ आपको लगता है कि काम नहीं हुआ, कृपया सीएम हेल्पलाइन में और हमारे पोर्टल में दर्ज कराएं ताकि हम नालों की साफ़ सफाई का कार्यक्रम अच्छी तरह से कराएं। अब जबकि मानसून आने में महज सप्ताह भर बचा है, ऐसे में कितनी जल्दी से और कितने नाले साफ होंगे, ये जवाब तो निगम के जिम्मेदार ही दे सकते हैं। वहीं जल स्रोतों में बारिश का पानी जमा होने में भी वक्त लगता है। इस स्थिति में रहवासियों को नियमित पेयजल मुहैया कराना भी निगम के सामने एक बड़ी चुनौती है। डीएलएन के लिए भोपाल से कैमरामैन अर्पण के साथ संदीप।